नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि बच्चों में बोलने कौशल का विकास आप कैसे कर सकते हैं। इसके पश्चात लेके चलते हैं कि आपसे बोलने से संबंधित जो समस्याएं बच्चों के समक्ष आती हैं किस किस तरह की आती हैं और एक शिक्षक के या शिक्षिका के रूप में आपको क्या करना चाहिए। तो इस संदर्भ में पहली बात लेके चलते हैं कि यदि कोई बच्चा बोलते समय, मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है और आप उसके बोलने के प्रवाह को बार बार बाधित कर रहे हैं या रोक दे रहे हैं या टोक दे रहे हैं, मान लीजिए कोई भी बच्चा बोल रहा है, तो अगर ऐसा आप करते हैं, बार बार उसके बोलने की क्रिया को या प्रवाह को आप बाधित करते हैं या रोकते टोकते हैं, तो याद रखिएगा ऐसी दशा में इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो परिणाम आएगा वह क्या होगा। बच्चा रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा, बच्चा धीरे धीरे खामोश होने लगेगा, बच्चा धीरे धीरे खामोश होने लगेगा। उसकी इस खामोशी के पीछे क्या कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी भी बच्चे को आप बार बार रोकेंगे टोकेंगे तो उसमें हीनता की भावना प्रबल होगी, हीनता की भावना प्रबल होगी और आत्मविश्वास में कमी होगी। इस कारण से बच्चा धीरे धीरे क्या करने लगेगा, खामोश होने लगेगा। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई बच्चा अगर बोल रहा है तो उसके बोलने के प्रवाह को हम बाधित न करें, रोके टोके न, अन्यथा बच्चा बोलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है कि जब बच्चा, कोई भी बच्चा हो, मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय में गया और विद्यालय में बहुत अधिक, मैं देखा कि विद्यालय में बहुत अधिक बातचीत कर रहा है लेकिन अपने घर पर बातचीत नहीं करता है, तो बच्चे का यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है। कोई बच्चा है, बोलते समय क्या कर रहा है, जैसे विद्यालय में गया तो वहाँ अधिक से अधिक बातचीत करता है लेकिन घर में नहीं करता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, इस प्रश्न का क्या कारण हो सकता है। तो आपको बता दें दोस्तों, इस प्रश्न का कारण यही है कि बच्चे को उसके विद्यालय में अच्छा भाषिक माहौल मिला, अर्थात विद्यालय में बच्चे के विचारों को सम्मान मिलता है, जिसके कारण वह बोलता है, जबकि घर में विचारों को सम्मान नहीं मिलता, घर में विचारों को सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण बच्चा घर में बातचीत कम करता है लेकिन विद्यालय में बातचीत अधिक करता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि विद्यालय में बच्चे के विचारों को सम्मान दिया जा रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा हकला रहा है, तुतला रहा है, तो उस बच्चे में बोलने कौशल का विकास कैसे हम करेंगे। कोई भी बच्चा अगर हकलाता है या तुतलाता है, हकलाने में पूरी ध्वनि बाहर नहीं आ पाती है और तुतलाने में बाहर तो आती है लेकिन स्पष्ट या सही रूप से नहीं आती है। तो कोई बच्चा अगर हकलाता है, तुतलाता है, तो सबसे पहले इस बच्चे की विशेषता ये होती है, इस बच्चे में आत्मविश्वास की कमी होती है और हीनता की भावना प्रबल होती है, आत्मविश्वास की कमी एवं हीनता की भावना प्रबल होती है। ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना क्या होता है, आत्मविश्वास की भावना में कमी होती है, हीनता की भावना प्रबल होती है। ऐसे बच्चे नर्वस बहुत जल्दी होते हैं और पहली बात तो ये पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए नहीं तैयार होंगे क्योंकि ऐसे बच्चे अपने आप को एक मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करते हैं। अगर खड़े होंगे तो जानते हैं कि बोलेंगे तो अन्य लोग खी 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 हंसेंगे, इसलिए ऐसे बच्चे, इसलिए जब ऐसे बच्चे आपकी कक्षा में हों तो याद रखिएगा दोस्तों, आप ऐसे बच्चों में बोलने कौशल के विकास के लिए सबसे पहले आप सहज भाषिक वातावरण का निर्माण करें, फर्स्ट स्टेप।
सहज एवं स्वाभाविक भाषिक वातावरण का निर्माण करें। सहज एवं स्वाभाविक भाषिक वातावरण का निर्माण करें। और इसके लिए दोस्तों आपको बता दें, आप बच्चों से घुल मिल जाइए, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, बच्चों से परस्पर वार्तालाप करें, अब बच्चा सहजता का अनुभव करेगा तो चाहे जैसे बोलेगा अब बोलने के लिए तैयार हुआ। और बोलने के लिए दूसरा स्टेप ये है कि आप उसको बोलने का पर्याप्त अवसर दें। बोलने का पर्याप्त अवसर दें। तीसरा है, गलत आदतों को सहानुभूति एवं स्नेह के साथ दूर करें, सहानुभूति एवं स्नेह के साथ दूर करें। और क्या करें आप, नेक्स्ट स्टेप है, आप स्वयं बोलकर बच्चे के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें। और दोस्तों आप जान लीजिएगा कि बच्चे के साथ जबरदस्ती या बच्चे की इच्छाओं के विपरीत वर्ग मत कीजिएगा, अन्यथा बच्चा बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, नेक्स्ट प्रश्न है, कोई बच्चा सामूहिक जगह बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। तो याद रखिएगा, कोई बच्चा अगर सामूहिक जगह बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है तो बच्चा ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि बच्चा कभी भी सामूहिक रूप से विचारों को व्यक्त नहीं किया है, इसलिए ऐसी दशा में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करने के कारण वह सहजता से बोल नहीं पाता है। इसलिए ऐसे स्थिति में, ऐसी दशा में आप बच्चों को बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर अपनी कक्षीय वातावरण में या खेल के मैदान में दीजिएगा, जहाँ पर परस्पर बच्चे बातचीत करें और समूह में करें, समूह के समक्ष करें, तब जा कर के बच्चा धीरे धीरे अपनी झिझक को दूर कर सकता है और स्वयं बोल करके उसके समक्ष आदर्श रखें आप। इसी तरह से जब कोई बच्चा किसी ध्वनि को बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है, किसी विशेष प्रकार की ध्वनि को बोलने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो ऐसी दशा में भाषा के एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों में किस तरह से बोलने कौशल का विकास करें। मान लीजिए कोई बच्ची है जिसका नाम चंपा है, चंपा बोलते समय अढ़, जब किसी शब्द या वर्ण को हाईलाइटेड करना होता है वाक्य को, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो मान लीजिए एक प्रश्न है कि कोई बच्ची है चंपा, बोलते समय अढ़ ध्वनियों वाले शब्दों को ठीक ढंग से नहीं बोल पाती है,
है तो भाषा के एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए प्रश्न दोस्तों कि कोई बच्ची है, कोई बच्चा हो, मान लीजिए अगर अढ़ ध्वनि अर्थात विशेष ध्वनियों को बोलने में वह क्या कर रहा हो, कठिनाई का अनुभव करे या करे, तो ध्यान दीजिएगा विशेष ध्वनियों को बोलने में कठिनाई हो रही है तो ऐसी दशा में आप ऐसी ध्वनियों को बच्चों से अधिक बोलने का अवसर दीजिएगा, क्योंकि जब तक बच्चा बोलेगा नहीं उन ध्वनियों को सही से बोल नहीं सकता है। और बोलने का आप स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, स्वयं बच्चे को बोल करके सुनाइए और धीरे धीरे बच्चे से अपेक्षा रखेंगे आप, धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा, आप अवसर देंगे उसको बोलने का पूरा, तो धीरे धीरे अपनी गलतियों को वह सुधार लेगा। ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, व्यवहारिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों कि बच्चे में अगर बोलने कौशल से संबंधित, व्याकरण से रिलेटेड अगर बोलते समय त्रुटियां करता है तो ऐसे दशा में बच्चे में बोलने कौशल का विकास आप कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में इस बात को हम बताते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो हमारे इस नंबर पर 9473881283 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय दे सकते हैं, और हम लोग जब ऑनलाइन आते हैं तो अपने विचार भी आप रख सकते हैं, ऑनलाइन में भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और ऑनलाइन प्रश्नों को भी हम लोग हल कराते रहेंगे, लाइव होकर के आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।